कार्य करेगी और क्या उद्देश्य होगा? वो अभी जैसे चेयर होती है किस भी विषय की, इस प्रकार से इसको प्रारंभ करने का अभी तय हुआ है, मगर ये बेसिक हमारे प्रधानमंत्री की जो कल्पना है कि गो आधारित अर्थतंत्र को शक्ति देना, उसी के आधार पर एक बहुत पुरानी हमारी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में कामधेनु शोध संस्थान के नाम से का आज प्रारंभ करने का एमओयू हुआ है। इसके चलते गो विद्या के आधार पर जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी नवाचार हैं, उनका प्रशिक्षण का काम होगा, उनके सर्टिफिकेट कोर्सिंग का काम होगा, उसी से युवा पीढ़ी को इस सब्जेक्ट के साथ जोड़ने का, इस विस्तार के युवाओं को जोड़ने का भी अवसर मिलेगा। भाई, जब सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआई और बाघ भरम से की, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसे पवित्र अवसर पर इस प्रकार की चीजों को याद करना मुझे लगता है कि ठीक ही नहीं है। गाय की तुलना करने वाले वो कौन लोग हैं? उन लोगों को किसने अधिकार दिया है कि वो इस गाय की तुलना करे? मैंने अपने प्रवचन में कहा है कि सृष्टि में अगर किसी का मल और मूत्र पवित्र है तो वो अकेली हमारी गौ माता है और किसी का नहीं है। ऐसी बातों पर हमें गर्व करना है। इन चीजों का नाम लेकर भी आप समय मत खराब करो। विश्वविद्यालय में गौशाला वगैरह गौशाला के लिए मैं आग्रह नहीं कर रहा हूँ, मगर मैंने एक नवाचार के लिए जरूर विनती किया है कि जैसे हम विद्यार्थियों को हॉस्टल में रखने का सुविधा देते हैं, तो ऐसे जिन सज्जनों को अपने घर में गाय रखने की सुविधा नहीं है मगर वो गाय रखना चाहते हैं, तो उनके लिए सुविधा कर गांव हॉस्टल की होगी, तो ये एक नवाचार का प्रारंभ करने का मैंने एक निमंत्रण दिया है और यदि इसमें यूनिवर्सिटी आगे बढ़ेगी तो भारत सरकार उसको सहयोग देगी। पूरे देश में ये पूरे देश में कहीं पे शुरू नहीं हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात में एक काउ हॉस्टल का प्रारंभ हमारे साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में किया हुआ था। अब अभी समय आया है तो हम लगता है कि हमें इसको बल देना। ये जो कामधेनु बनी है किसी सरकार में बनी है कि मतलब यहाँ से शुरुआत हो रही है? हाँ, भारत सरकार से जुड़ी हुई पीठ की ये पहली ही शोध संस्थान की यहाँ शुरुआत हो रही है। सर, जैसे आपने कहा गौपीठ बनने का, जैसे गौ के साथ रोड पर फोन लाइन पर फेंक देते हैं, कहीं गिर जाती है, बड़ी दयनीय स्थिति रहती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपका? उन्हीं के लिए भी सरकार के राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम व्यवस्था करने का प्रावधान होता है और उसी में काम भी चल रहा है और कई समाज सेवी संस्थाएं इस पर बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। परसों में राजकोट गया था मैं आपको बताऊं, वहां उन्होंने जैसे जयपुर फुट अपने में लगता है ऐसे जयपुर फुट ऐसे एक्सीडेंट में मिले प्राणियों को लगाने का वहां काम किया है। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था हम आदमियों के लिए हो गई है और 108 जैसी सुविधा हमारे लिए उपलब्ध है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वेटरनरी मोबाइल यूनिट देने का, भारत सरकार के खर्चे से देने का प्रावधान कर दिया है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम राज्यों को उपलब्ध कराने का काम भी शुरू कर रहे हैं। कब तक हो जाएगा? शुरू हो गया है, कई राज्यों में उसका प्रारंभ भी हो गया है। यहाँ मध्य प्रदेश के लिए भी हम इस प्रोसेस में बहुत आगे बढ़ते हैं। सर,